माइडावल है, चलो माइडावल आज पीजिएगा। हाँ थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। उसका मतलब वो है हैवी ड्राइवर। निकाल भूतनी के। ऐसी बात नहीं, बिना दाव क्या है। अभी ये अपना अस्तित्व बचाए हुए है, आपका लाख लाख शुक्रिया। अच्छा कुड़ी लेके आया ये बंदा। हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे आप लोगों में इधर अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तो जा रहे हैं मौसी के यहाँ, वहाँ थोड़ा एक छोटा मोटा कार्यक्रम है खंड रामायण का, वहाँ संगीत होना और कुछ लोगों से मिलना है। तो आज तो बाइक से ही जाना पड़ेगा क्योंकि कार खराब हो चुकी है, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा ही। धूप बहुत ज़्यादा, हिम्मत नहीं पड़े, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाने जाना है। धूप इतनी तेज है, पूरा लू लग रही है, शरीर में चेहरा वाला लग रहा है, जल जाएगा। यहाँ एक पेड़ मिला है, थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। बाहर का समय है तो गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। अभी जाना है एक लोगों को रास्ते में लिवाना है, उसके बाद फिर निकलना है। चलिए बने ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाली है। आज गाड़ी में तेल कम है, थोड़ा तेल डलवा लें। देखिए आ गए टंकी पे, तेल डलवाने के बाद निकलते हैं। तो गाय जा रहे हैं गुप्ता जी दुकान पर, नहीं चल रहे, पियेंगे ठंडा ठंडा है गुप्ता जी। हाँ दारू माइडावल है, चलो माइडावल आज पी जाइए। भाई जा गए हैं जलालपुर, और ये देखिए उत्कर्ष जी तैयार हो रहे हैं। भैया रुक जाना, मैं ना तैयार नहीं कर रहा हूं, गया। अच्छा ठीक, कपड़ा पहले फिर बुलाते हैं। सो गाइस, जब उत्कर्ष जी तैयार हो चुके हैं, इनको लेके जाना साथ में। अब ब्लॉग यही जो है शूट करेंगे, हम तो बाइक ड्राइव करेंगे, कार होती तो ठीक था, बाइक हम ड्राइव करेंगे, ब्लॉग ये शूट करेंगे। इसे सोचना, इन्होंने अपना खुद का ब्लॉग बनाया है, अभी इसको पोस्ट नहीं किया है। कल तक एक वीडियो पोस्ट हो जाएगी। हाँ, कल तक पोस्ट हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। सो गाइस, दुर्गेश का वेट कर रहे थे, अभी आ गए हैं और उत्कर्ष जी पहले से हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये दुर्गेश जी हैं, इनको भंडारा खाना बहुत पसंद है, मौसी के यहाँ भंडारा है, तो ये बोले थे हम 5 मिनट में आ रहे, लेकिन ये 2 मिनट में यहाँ हाजिर हो गए हैं, भंडारा खाने की लालच में, सिर्फ और सिर्फ भंडारा खाने की लालच में। मुझे भी नहीं पता था दुर्गेश भंडारा कितने लालची हैं, आज पता चला है। चलिए अब देखते हैं कितना खाते हैं, इनका हम वीडियो शूट करेंगे वहाँ। तो गाइस, दुर्गेश को देख के भैंसिया भी आ गई है, भाग रहे हैं, सिट्टू भाग रहे हैं, निकल रहे हैं मौसी के घर के लिए। हम लोग निकल चुके हैं मौसी के घर के लिए, अनूप भैया ड्राइविंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ के रास्ते इतने खराब हैं, रास्ता हम भी जानते हैं, टेंशन ना ले, आप खाली गाड़ी बढ़ाए रहे। अरे कहीं घुसा दे वो तो। अरे नहीं, कहीं कल नहीं आए, इतना जल्दी ना बुलाइए, चला तू। सिंगल रोड है देखिए, लेकिन तब भी हम लोग इनको ओवरटेक जरूर करेंगे, चाहे जो हो जाए। ये लोग पीछे हो चुके हैं, हेलो स्प्लेंडर पीछे हो चुके हैं पार्टी से। अरे बढ़ेगा बाबू, ये मेड़ है, मेड़ पगडंडी बोलिए, मेड़ पगडंडी है, यहाँ जो चढ़ा लिया उसका मतलब वो है हैवी ड्राइवर। ये एक हैवी ड्राइवर है हमारे अनूप भैया, भयंकर। अब हमें लोग स्प्लेंडर से पिछड़ गए हैं फिर से, अब आगे निकलना नामुमकिन है। अब मैंने रास्ता भूलवा दिया है, तब भैया आगे नहीं निकलने वाले उनसे। देखिए कितना पतले रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए अब यहाँ पे रोक के बेइज्जती कर रहा है अपनी आपकी। अब ये रास्ता भूल गया था तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब भूतनी के निकल जा, एक पड़क चाहिए जो उन्होंने। ये ड्राइविंग कर रहा है तो अभी ब्लॉग बना रहा है, इतना बड़ा चुटिया भी कुछ होनी हो जाए, ये नहीं कि पीछे वालों को दे दे के आऊंगा। के घर के काफी करीब आ गए हैं, बस थोड़ी दूर है और है। ये देखिए, ये हमारे राइडर अनूप भैया। देखा यहाँ पे घर मिल रहा था, वहाँ पे अनूप भैया की जान पहचान के कोई लोग मिल गए थे, तो वहाँ पे रुकना पड़ा 2 मिनट के लिए, भैया ने बात कर ली है। ये लोग देखिए हमें हमेशा छोड़ के भाग आते हैं, अपनी अनूप भैया की गलती की वजह से हम लोग फिर से छूट गए। निकाल भूतनी के। देख सकते कितना अच्छा मंदिर, देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है, काफी अच्छे से कारीगरी की गई है कि उनको शिकायत बहुत। तो गाइस आ गए हैं बरौली, और यहाँ जो है आज अखंड रामायण का भंडारा, बहुत मीट मछली खा लिया गया है, अब थोड़ा कुछ आत्मा शुद्ध करना है। हाँ तो भंडारे में चलना है, सम्मिलित होना है, दावत मिली थी, ऐसी बात नहीं, बिना दावत क्या है। उसी घर दावत मिली तो है, चले थोड़ा सबसे मिल लिया जाए, आए हैं तो। हम लोग आ चुके हैं सुमित भाई के स्टूडियो में, जिनका रोस्टिंग का चैनल है। ये देखिए ये अस्तित्व भाई डंबल उठा रहे हैं। दुर्गेश भाई कहाँ गया हो, आइए बाटे।
हाँ हमारे यहाँ स्पेशल मिठाई है, आप लोगों को शायद नहीं जानते, बतासा, इसको बतासा बोलते हैं। और ये सिर्फ चीनी की बनती है, सिर्फ चीनी की, और ये परंपरागत मिठाई है, परंपरा से चली आ रही है और खाने में अच्छा लगता है। ये प्रसाद में विशेषकर विशेष विशेष कार्यक्रम में यूज होती है, जैसे आपको प्रसाद हुआ तब, या फिर कोई और विशेष कार्यक्रम हुआ, कथा सुना गया तब यूज होता है, जब देवी देवताओं की पूजा होती है तब इसका प्रयोग होता है। पहले तो ये मिठाई बहुत पॉपुलर थी, हर जगह चलती थी, जैसे शादी विवाह में हर जगह रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेडिशन चेंज होता जा रहा है तो लोगों में बदलाव भी आ रहा है, हर चीज़ बदल रहा है। अभी ये अपना अस्तित्व बचाए हुए है जो प्रसाद में चल रही है। हाँ, हम लोग यहाँ आए, एंजॉय तो बहुत हुआ, लेकिन एक दुख की बात हो गई कि अपने उत्कर्ष भाई को किसी ने पीट दिया। यार देखो तो उसे सर झुका के बैठा है, बहुत बुरा लग रहा है, किसने पीटा इसका पता लगाना पड़ेगा। जेरी, इसका नाम जेरी है, ये मौसी क्या है, पला हुआ है। आप आए हैं, ये राजन भैया, आपका लाख लाख शुक्रिया। पसीने से एसी में चलिए सर। सो गाइस आ गए हैं, अपना मरियल भाई मिल गया है, चेहरा नहीं दिख रहा है। हाय बोल रहे, कम से कम आज जो है अखंड रामायण इन्हें के यहाँ था तो आना बहुत जरूरी हो गया था, वरना इतनी धूप में हम बाइक चलाने की हिम्मत नहीं थी। तो गाड़ी बिगड़ गई है इनकी, तो गाड़ी खराब हो गई, हमने इनको पहले बता दिया था, सूचित कर दिया था गाड़ी खराब हो गई है, हम लेने जाने वाले थे, मना कर दिए। नहीं, हमने कहा क्या करेंगे हमारे लिए आकर, फिर काम में बिजी रहेंगे तो बेहतर हम ही चले जाएं। तो चलिए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, तो हम किसी ब्लॉग में। सो गाइस, भोजन स्टार्ट हो चुका है, अब हम लोग भी चल रहे हैं भोजन करने। भाई देखिए, अगर आप लोगों को जो है सफाई कर्मी जरूरत पड़ेगी तो हम बुला देंगे, फ्री में, मुफ्त सेवा है, सिर्फ भोजन आप करा दीजिएगा। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं भोजन करने, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम लोग किनारे बैठे हैं, सुकून से खाएंगे फिर निकल जाना है। तो खाना खाते हैं, फिर भैया को लेट हो रहा है, जाना नहीं है, तो मिलते हैं सीधे खाना खाने के बाद। गाइस ये देखिए, दूसरी थाली है, हाँ, दुर्गेश की तीसरी है, छठे पूरी लेके आया है ये बंदा। मार हो गई, मार हो गई इसमें जो है थाली चक्कर में, लेकिन ये सत्यता है, ये दूसरी थाली तो भाई है। चलिए खाने दीजिए, खाने पर सबका अधिकार होता है, भूखे पेट थोड़ी कोई जाएगा। सो गाइस, जब निकल रहे हैं घर के लिए और राजन भाई आए हैं विदा करने के लिए, तो अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भैया का वीडियो बहुत अच्छा है सच में, आप लोग देखिए इसको, एंजॉय करिए, और भी वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। थैंक यू, बाय।